नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हलैना खान। बरेली बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। मिल्लत काउंसिल और मुस्लिम मजलिस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी वीपीआई। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल यानी वीपीआई की ओर से शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सादिश अली मसीहा ने बताया कि उनकी पार्टी मिल्लत काउंसिल और मुस्लिम मजलिस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। वीपीआई अन्य राजनीतिक दलों की तरह सिर्फ नेताओं को धनवान बनाने का काम नहीं करती है, बल्कि देश के हर नागरिक को राष्ट्रीय आमदनी में भागीदार बनाने के लिए काम करती है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक क्रांतिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि किसी भी दल में इतनी ताकत नहीं है कि वो देश के सभी लोगों को रोजगार दे सके। समस्या अंतर्राष्ट्रीय है तो समाधान भी अंतर्राष्ट्रीय ही होना चाहिए। जिलाध्यक्ष कामनी देवी ने बताया कि यदि सरकार 15 जनवरी 2022 तक देश की सभी वोटरों के खाते में 8000 रुपए की रकम नहीं भेजती है तो उनके नेतृत्व में बरेली में 30 जनवरी 2022 को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। उद्योग व्यापार मंडल ने स्टेशनरी पर जीएसटी इजाफे को लेकर कलेक्ट्रेट में जताया विरोध। 1 जनवरी से कपड़ा, जूता, स्टेशनरी आदि पर जीएसटी की दर 5% से बढ़कर 12% करने के प्रस्ताव के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में विरोध दर्ज कराया। प्रदेश प्रभारी सुनील खत्री ने कहा कि जीएसटी बढ़ने से सभी उपभोक्ताओं और व्यापारियों में रोष है। केंद्र सरकार ने पहले 5% जीएसटी लगाई थी, अब इसको 12% करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। व्यापारियों ने जीएसटी की दरें वापस लेने की मांग की है। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। थाना सुभाष नगर में राजीव नगर निवासी ओम पाल ने बताया कि उन्होंने 3 साल पहले अपनी 25 वर्षीय बेटी अंजलि की शादी सीबीगंज के गांव नदोसी में रहने वाले नीरज कश्यप से की थी। ससुराल पक्ष के लोग दान दहेज से खुश नहीं थे और आए दिन अंजलि को प्रताड़ित करते थे। बुधवार को नीरज ने उनको बताया कि आपकी बेटी के पेट में दर्द हो रहा है, वो निजी अस्पताल में भर्ती है। इस पर पिता मौके पर पहुंचे तो देखा अंजलि के गले पर निशान थे। अंजलि ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अंजलि के पिता का आरोप है कि गला घोटकर उनकी हत्या की गई है। मामले में तहरीर पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मनमाने दामों में बेच रहे खाद वस्तुएं 8 अवैध वेंडर गिरफ्तार। पिछले कई दिनों से ट्रेनों में अवैध वेंडरों की संख्या को बढ़ते देखकर आरपीएफ अभियान चला रही है। हर रोज 2 से 4 वेंडर गिरफ्तार कर जेल भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें, शुक्रवार सुबह को आरपीएफ बरेली जंक्शन ने अवैध वेंडरों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 8 वेंडर गिरफ्तार किए गए जो रेल यात्रियों को दोगुने दामों में खाद वस्तुएं बेच रहे थे। आरपीएफ इंस्पेक्टर वीके सिसोदिया का कहना है कि 8 अवैध वेंडरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, सभी को जेल भेजा जाएगा। और फिलहाल बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली की अन्य खबरों के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। शुक्रिया।